हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आप सभी ने पहले वाले लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप पहले अटेंड कर लीजिए। ठीक है, आज हम नया चैप्टर करेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में भी जैसे कि हम सारे चैप्टर्स में करते आ रहे हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चाहे आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, या फिर टाइम फाइंड आउट करना है, या फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें भी हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो, हम डेली लाइफ से अपनी इसे कोरिलेट करते हैं, सारे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सारे ही ट्रैवल करते हैं। हम स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ। ठीक है, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, वो हमारी क्या हो जाती है, स्पीड। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला हुआ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इंटू टाइम। तो सेकेंड फॉर्मूला आपका क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। थर्ड फॉर्मूला आपका क्या हो गया, अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया, वो आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, मेन जो आपको याद रखना है, एस इक्वल्स टू डी बाय टी, स्पीड इक्वल्स टू डी बाय टी। अब देखिए, आपको यूनिट्स को कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनिट्स को आप कैसे याद रखोगे, जो डिस्टेंस होएगा वो या तो किलोमीटर में होएगा या फिर मीटर में होएगा। ठीक है, दो ही यूनिट्स हैं, डिस्टेंस जो होगा या तो वो किलोमीटर में कवर होगा या फिर मीटर में कवर होगा। टाइम है, या तो टाइम आवर्स में होगा या मिनट्स में होएगा या फिर सेकंड्स में होएगा। तो स्पीड की यूनिट यहीं से बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड, ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे रखा है, टाइम आपको आवर्स में दे रखा है, ठीक है, तो स्पीड आपकी जो आएगी किलोमीटर पर आवर आएगी। अगर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दे रखा है लेकिन टाइम सेकंड में दे रखा है, तो वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी बता रही हूँ कैसे आपको कन्वर्ट करना होता है। कई बार क्या होता है, आपको स्पीड फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है जी, ऑप्शंस में आपको दे रखा होता है 18 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर और सो ऑन। ठीक है, लेकिन जो आपको डिस्टेंस दिया होता है वो दिया होता है मीटर में, और टाइम दे रखा होता है सेकंड में। ठीक है, इस यूनिट से तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे, मीटर पर सेकंड बनेगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और वाइस वर्सा, कई बार आपको डिस्टेंस दे रखा होता है किलोमीटर में, टाइम दे रखा होता है आवर में, और जो स्पीड हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है मीटर पर सेकंड में। तो हम किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब उसे कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर, किलोमीटर बड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर आपको x किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है x मीटर पर सेकंड में, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसे हम कर देंगे जी इंटू 1000 बाय 3600। ठीक है जी, ये आपका किलोमीटर है, मीटर में चेंज हो जाएगा, और जो आर है वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ मिनट करना हो तो हम कर देंगे इंटू 1000 इंटू 60। ठीक है, अगर आपका आंसर मिनट मीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो हम कर देंगे इंटू 3600 बाय 1000। ठीक है, अब देखो, इसकी अगर आपको एग्जाम में जाके भूल जाए कि मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, तो आपको ट्रिक याद रखनी है। देखो, अगर किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। ठीक है, अब अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। देखो, स्मॉल टू बिग बनाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, स्मॉल टू बिग बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है,
अगर आपको बिग टू स्मॉल बनाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना। अगर स्मॉल टू, ये याद रखना, देखो सिस्टर ब्रदर, ठीक है, ये हो गए डैड। सिस्टर की बॉन्डिंग किससे होती है ज़्यादा, डैड से होती है ना, तो ऐसे याद रखना, सिस्टर ब्रदर और डैड, ये ब्रदर और ये सिस्टर और ये मोम, ठीक है। ब्रदर की बॉन्डिंग किससे होती है ज़्यादा, मोम से होती है। अगर स्मॉल टू बिग बनाना है तो आपका डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि किलोमीटर से अगर मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको मीटर से किलोमीटर बनाना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ब्रदर सिस्टर और मोम, तो ये मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, डी से डैड, एम से मल्टीप्लाई और एम से मदर, क्लियर है, क्लियर है जी। चलें आगे, आई होप आप सभी को समझ आ गया होएगा, जिसने नोट करना है वो नोट कर सकता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन करने का तरीका देखो कैसे करना है। हाउ मैनी मिनट्स, अब हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी मिनट्स मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, किस में फाइंड आउट करना है, मिनट में फाइंड आउट करना है। डज आदित्य टेक टू कवर डिस्टेंस, आपको दे रखे है 400 मीटर, ठीक है। इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड आपको दे रखी है जी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट्स को चेक करना पड़ेगा, हमें जो टाइम है वो किस में चाहिए, वो हमें चाहिए मिनट में, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो दे रखे आपको 400, और जो आपको स्पीड है वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो सबसे पहले तो हमें मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 20 × 1000 / 3600, ठीक है, 1000 / 3600 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप यही करोगे, कट करेंगे क्या आ जाएगा, 5/18, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 20 × 5/18 इक्वल्स टू, कुछ और कट हो रहे हैं देख लो, ये गया 10 पे और ये गया 9 पे, 50/9 मीटर पर सेकंड आपका आ गया स्पीड, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड आ गया, अब हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन टू कवर 400 मीटर, डिस्टेंस कितना है, 400 × 9/50, ठीक है। बाय स्पीड करोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये गया, ये आ गया जी, टाइम आपके पास कितना आ गया, 8 × 9 = 72 सेकंड, 72 आपके पास क्या आ गया जी, सेकंड आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनट में आंसर, हमें क्या चाहिए मिनट में आंसर, तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 72/60 यही करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, कट कर लो या फिर आप 72/60 को चेंज करो, ये करोगे, ठीक है, 12 के टेबल पे कट हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:1/6 मिनट, 1:1/5 मिनट, क्लियर है, ठीक है। 6/5 आ गया था, 6/5 को जब डिवाइड करोगे देखो क्या आ गया, 1:1/5 मिनट, पता चल गया आपको, आपको यूनिट्स का कैसे ध्यान रखना है, डिस्टेंस की, स्पीड की एंड टाइम की यूनिट्स का आपको ऐसे ध्यान रखना है, उसी के बाद आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या दिया हुआ है देखिए, अ साइक्लिस्ट, देखो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से करवा रही हूँ, ठीक है, आपको ताकि कोई दिक्कत ना आए। मुझे पता है आप सभी का मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशंस में भी आप उलझ जाते हो, इसीलिए हम फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं, कुछ भी शॉर्टकट वे में नहीं कर रहे, ठीक है। अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखे है, 750 मीटर, टाइम कितना दे रखे है, 2:30, स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है जी, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, टाइम कितना बन जाएगा, 5/2 सेकंड,
ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा जी, 750, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। अब हमें सेकंड्स चाहिए, 2 मिनट में कितने सेकंड होएंगे, 60 प्लस 60, 120 सेकंड होएंगे, प्लस 30 कितने हो गए, 150 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम आ गया, तो आपका आ गया जी 5 मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है। लेकिन 5 मीटर पर सेकंड है ही नहीं, हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इंटू 3600 बाय 1000, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 18 किलोमीटर पर आर, 18 किलोमीटर पर आर आपका आंसर आ गया, क्लियर है। आपको मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आर में कैसे चेंज करना है, किलोमीटर पर आर में से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पहले आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिख लिया करो आपको क्या दिया हुआ है। देखो, व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, डिस्टेंस गिवन है कितना, 24 किलोमीटर। अ मैन नोटिस्ड, एक मैन ने नोटिस किया दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 आवर एंड 40 मिनट्स, ठीक है, कि 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद द डिस्टेंस कवर्ड हिम, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना किया जी, 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वॉज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब आपको स्पीड बतानी है जी इसकी मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड, जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आर लेके चलेंगे, ठीक है। अब जो डिस्टेंस कवर किया उसने 1 घंटे 40 मिनट में, ठीक है, कितना बन गया, 1:40/60, 2/3, 1:2/3 आर्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 × 3 and 5 × 3 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस आ गया जी, 1 घंटे 40 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 5/3 किलोमीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास कितना बचा, टोटल डिस्टेंस था 24, 24 में से उसने -5/3 कवर कर लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके पास क्या डिस्टेंस बचेगा वो आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे ना, ठीक है, x आपका आ जाएगा 6, x आपका आ जाएगा 6। रिमेनिंग डिस्टेंस जब आप फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 6 आ जाएगी, मतलब जो स्पीड है वो कितनी है जी, 6 किलोमीटर पर आर, जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आर। लेकिन जो आंसर है आपको किस में देना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब हम इसे चेंज करेंगे, 6 × 1000 / 3600, जब इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1:2/3 मीटर पर सेकंड, 1:2/3 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, जिन्हें ये x की वैल्यू नहीं निकालनी आएगी वो देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे। वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, ठीक है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पे मैन ने क्या नोटिस किया कि 1 घंटा 40 मिनट चलने पे उसका जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो किसका 5/7 है, रिमेनिंग डिस्टेंस का। ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया, ठीक है, 24 − 5/3x, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये 5/7 रिमेनिंग डिस्टेंस का उसने कवर कर लिया है, किसके इक्वल रखेंगे इसे, 5/3x के, क्योंकि ये 1.5 घंटे में, 1 घंटे 40 मिनट में कवर किया। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, अब आपसे हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये हमने रिमेनिंग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था बच्चे यहाँ पे। अब इसने क्या बोला था, डिस्टेंस कवर्ड हिम बाय, ठीक है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो क्या है, 5/7 है, 5/7 है किसका, रिमेनिंग डिस्टेंस का, ठीक है, 5/7 है रिमेनिंग डिस्टेंस का। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीटर
कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस बोला है, मतलब सर्टेन डिस्टेंस हम लेके चलेंगे, देखते हैं क्या लेते हैं, एक्स ही टोटल डिस्टेंस एक्स लेंगे, सर्टेन डिस्टेंस आगे जाके देखेंगे कि हमारा क्या आएगा। पीटर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour and 24 minutes, ठीक है, 1 hour 24 minutes में उसने कवर किया जी, बाय कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 km/h एंड द रेस्ट एट 5 km/h, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि पीटर कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes, सर्टेन डिस्टेंस एक्स, लेट द टोटल डिस्टेंस बी एक्स, कितनी देर में कवर कर लेते हैं, 1 hour 24 minutes में, ठीक है। अब उसमें से बाय कवरिंग 2/3 ऑफ डिस्टेंस, 2/3 जो डिस्टेंस है, ठीक है, 2/3 जो डिस्टेंस है वो कितनी देर में, कितनी स्पीड पे कवर किया, 4 km/h की स्पीड पे, और जो बाकी का बचा, जो बचा रेस्ट, ठीक है, उसे कितनी स्पीड पे कवर किया, 5 km/h, ठीक है, रेस्ट कितने पे किया, 5 km/h पे। आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होते है जी, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होते है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, देखो 2/3x डिस्टेंस, ये कितनी स्पीड पे किया कवर, 4 km पे, रिमेनिंग कितना रह गया, 1/3x, जब आप ये सोल्व करोगे तो 1/3x आ जाएगा, ये किस पे कवर किया इसने, 5 km/h की स्पीड पे, 5 km/h की स्पीड पे इसने कवर किया, ठीक है जी। अब आगे देखो क्या करोगे, आगे देखो इसे कैसे सोल्व करोगे, करो जी सोल्व करो, ये 3 LCM आएगा, उसके बाद 2x + 3x आ गया ये, ठीक है, हाँ जी समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, या कोई और तरीके से भी कर सकते हो आप, करो ट्राई करो, कैसे करोगे, अगर थोड़ा आप अपना हाथ चलाओगे तभी बात बनेगी जी। टू बाय थ्री एक्स बाय फोर प्लस 1/3x/5, क्या करोगे जी, देखो ऐसे काफी स्टूडेंट्स ऐसे करने शुरू कर दिया होएगा, काफी बच्चों ने, कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से कर रहे होंगे आप, हाँ जी स्टूडेंट समझ आ रहा है, इसे सॉल्व करके क्या आया आपका बताओ, सारे आंसर अपना कमेंट करो।
हाँ जी, 14x/60 इक्वल्स टू 7/5 सभी का आ गया। आपको टाइम गिवन था ना 7 by, ये 1 is to 1 hour equal 24 minute, तो हमने उसे इक्वल्स टू ही रखना है 1 is to 24/60। ठीक है, तो आपका कट कट आके वो क्या आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। ठीक है, आगे कैसे करोगे, 14x/60 इक्वल्स टू 7/5 इक्वल रख दोगे, इक्वल है ही, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जब सोल्व करोगे एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो ही हमने बताना था टोटल डिस्टेंस, तो आंसर आपका क्या आ गया जी, 6 किलोमीटर। ठीक है, मैंने आपको टाइम इसलिए दिया था क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसी इक्वेशन सोल्व करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स अपने अलग अलग से मेथड ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं, ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है जी, आई होप आप सभी को समझ आ गया होएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम द विलेज, ठीक है, विलेज टू पोस्ट ऑफिस, एक आदमी जा रहा है एट द रेट ऑफ स्पीड आपको गिवन है जी कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर, एंड वॉक्ड बैक। अब वो पोस्ट ऑफिस से वापिस जा रहा है विलेज की तरफ कितनी स्पीड पे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। पहले कितनी स्पीड पे गया, 25 किलोमीटर पर आवर की, फिर कितनी स्पीड पे आया, 4 किलोमीटर पर आवर की। अगर होल जर्नी, पूरी जर्नी का जो टाइम है वो है जी 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 5 hour 48 minute टोटल जर्नी का टाइम है, तो डिस्टेंस बताइए कितना होएगा पोस्ट ऑफिस टू विलेज। ठीक है, आपको क्या बताना है जी, डिस्टेंस बताना है। देखो आप कर सकते हो डिस्टेंस, अब ऐसे केसेस में मैं बता देती हूँ, ये डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या होएगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा ना। ठीक है, कैसे, क्योंकि विलेज से गया पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से गया वो विलेज। ऐसे केसेस में क्या किया करो, जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो तो हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज, क्योंकि हमें जो स्पीड्स दे रखी हैं वो अलग अलग दे रखी हैं, अब ऐसे में टोटल डिस्टेंस निकालने में मुश्किल होएगा, तो हम एवरेज स्पीड देख लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या रहेगी उसकी, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, 2xy/x+y। ठीक है, ये आपका क्या होता है जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड 1 स्पीड 2, तो 2 × 25 × 4/25+4 क्या आ गया जी, 200/29। ठीक है, 29 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। अब आपको टाइम दे रखा है 5 hours and 48 minute, जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो वो बन जाएगा 5 is to 4/5 hours। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है जी आपका, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, 200/9 × 29/5 ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, अब इन्होंने, ये हमारे पास क्या आया जी, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया जाने का भी और वापिस आने का भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछे एक डिस्टेंस फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, तो वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 40/2 = 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस रह जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास दो स्पीड्स गिवन थी, विलेज टू पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस टू विलेज। विलेज टू पोस्ट ऑफिस की जो स्पीड थी वो थी 25 किलोमीटर पर आवर, और जो पोस्ट ऑफिस से विलेज की स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। टोटल जो टाइम था वो था 5 घंटे 48 मिनट। अब इन्होंने पूछा था कि पोस्ट ऑफिस से विलेज का कितना डिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल ली पूरी जर्नी की, आने की और जाने की, उसकी क्या किया, एवरेज स्पीड निकाल ली। वो क्यों निकाली, क्योंकि
हमारे पास फिर एक स्पीड हो जाएगी, एक टाइम हो जाएगा और हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 40 किलोमीटर कवर किया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा था, आपसे एक ही जर्नी का डिस्टेंस पूछा था जो कि आ गया जी 20 किलोमीटर। क्लियर है, जो आपका क्या आ गया जी 20 किलोमीटर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इन्होंने क्या दिया, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द फोर साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक एरोप्लेन चार साइड्स पे घूम रहा है, जो कि स्पीड किस स्पीड से घूम रहा है, 400 किलोमीटर पर आर, 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आर, किस कहीं भी 200, 400, ये चार आपको साइड्स की स्पीड दे रखी है। आपको फाइंड द एवरेज स्पीड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड। ठीक है, अब हमें साइड्स तो पता नहीं, हम ईच साइड को क्या लेट कर लेंगे, लेट द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स किलोमीटर। ठीक है, एंड लेट द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन अराउंड द फील्ड बी वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, ईच साइड हमने एक्स किलोमीटर लेट कर लिया है और एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड कितनी कर ली है, वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है जी, तो ये कितनी साइड्स हो गई हैं, फोर साइड्स हो गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट साइड डिस्टेंस अपॉन कितनी स्पीड, 200। फिर सेकंड साइड डिस्टेंस 400। फिर थर्ड साइड डिस्टेंस 600। फिर फोर्थ साइड डिस्टेंस 800। 4xy किलोमीटर। ठीक है, क्यों, ये डिस्टेंस हमने रखा है 4x हो गया और ये स्पीड हमने लेट की है y किलोमीटर। क्लियर है, तो आप सॉल्व कर लोगे, 2400 एलसीएम आ जाएगा, प्लस करके देखोगे 25x आ जाएगा, 4xy। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेंगे, x के साथ x किया तो y इक्वल्स टू आपका आ गया 2400 इंटू 4/25। क्या आ जाएगा, जब इसे कट करोगे 384 किलोमीटर पर आर आपका बन जाएगा। मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, खुद आप अपने टेबल्स पे काट उसे कट कर लीजिए। ठीक है जी, समझ आया, आई होप आप सभी को समझ आ गया होएगा अच्छे से। जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इससे मुश्किल नहीं आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना। इफ अ मैन वॉक्स, अब इन्होंने क्या बोला, अगर एक आदमी चल रहा है कितनी स्पीड पे, 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे, वो अपनी ट्रेन को मिस कर देता है 7 मिनट, मतलब वो 7 मिनट लेट पहुंचता है, -7। ठीक है, 7 मिनट वो लेट पहुंचता है। However, if he walks at the rate of, अगर वो 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रहा है, तो he reaches the station 5 minutes बिफोर अराइवल ऑफ द ट्रेन। ठीक है, मतलब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, अगर 5 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है तो वो 7 मिनट लेट हो रहा है, अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है तो ट्रेन आने से 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जहां से भी वो चल रहा है, चाहे अपने घर से चाहे ऑफिस से। तो हम क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस बी एक्स, जो भी उसका डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वो क्या है, एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक है, जो डिफरेंस है टाइम टेकन है टू स्पीड्स, वो कितना है, 7 + 5 = 12 मिनट का। ठीक है, 12 मिनट का डिस्टेंस है। ठीक है, 7 मिनट और 5 मिनट, 12 मिनट का फर्क पड़ रहा है, मतलब हमें किलोमीटर पर आर में चाहिए, मतलब 1/5 hr का। ठीक है, 1/5 hr का, तो x/5 टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम माइनस x/6 डिफरेंस 1/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 30 क्या आ गया, x आपका 6 आ गया, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर।
ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या दिया है कि अगर एक आदमी 5 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है तो वो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, दोनों में कितना टाइम, टोटल टाइम कितना फर्क आ रहा है, 12 मिनट का आ रहा है ना, 7 और 5 डिफरेंस इन टाइम टेकन एट टू स्पीड्स कितना आ रहा है, 12 मिनट का आ रहा है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड होगी माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/5 की है जो डिफरेंस है स्पीड की टाइम्स का, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको वैसे ज़्यादातर बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्या होता है जैसे कि यूनिट्स वाले क्वेश्चन हमने पहले 2-3 क्वेश्चन किए हैं, वैसे क्वेश्चन आपको आने में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप वैसे क्वेश्चंस ही ज़्यादा ट्राई कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को समझ आ गया होएगा अच्छे से, कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके स्टूडेंट्स।